बात करते हैं कुछ मौसम की सूरत हाल के हवाले से। पंजाब ने धुंध की सफेद चादर ओढ़ ली, हर मंजर धुंधला हो गया है। हद निगाह में खतरनाक हद तक कमी के बायस हाईवेज और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह से मुतासर हो गई, तो दूसरी जानिब शहर कायद में दर्जा हरारत 13 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। पंजाब समेत मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी की लहर है। धुंध ने सफेद चादर ओढ़ ली, जिससे हर मंजर धुंधला हो गया है। यूं तो रही सही कसर सर्द हवाओं ने ही निकाल दी, जब बस्ता हवाओं ने शदीद सर्दी को दावत दे दी, घरों से निकलना ही महाल हो गया है। लाहौर की कौमी शाहराओं पर पतोकी, हबीबाबाद, रनाला खुर्द, ओकाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा में धुंध का राज है, जबकि चीचावतनी, मियाँ चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा और बहावलपुर साहिवाल में भी धुंध अपने अरूज पर है। दूसरी जाने मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों का शेड्यूल भी बुरी तरह से मुतासर हुआ, तो शदीद धुंध के बायस मोटरवे हुकाम ने कई जगह से मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। ट्रेनों का शेड्यूल भी बुरी तरह से मुतासर हुआ, तो शदीद धुंध के बायस मोटरवे हुकाम ने कई जगह से मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद करते हुए सफर से गुरेज करने, फॉग लाइट्स के इस्तेमाल और गाड़ियों को ग्रो की शक्ल में सफर करने की हिदायत जारी कर दी है। करदू का दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहर कायद में दर्जा हरारत 13 सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। महकमे मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा और खिता पोठोहार में कोहरा पड़ने की पेशन गोई कर दी। तहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा।